हेलो गाइस, वेलकम टू दिस मेडी न्यूज़। तो गाइस, आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और आज हम बात करेंगे मार्वल और डीसी यूनिवर्स के अपडेट्स के बारे में, जिसमें कि सबसे पहला अपडेट है कि डिज्नी कंपनी ने कंफर्म कर दिया कि एवेंजर और एक्समैन से रिलेटेड जो मूवी होगी वो 2021 से पहले अनाउंस नहीं होगी। जेम्स, जो कि एक्समैन प्रोफेसर का काम करते थे यानी कि उनका रोल प्ले करते थे, वो डीसी यूनिवर्स में रेडलर का रोल प्ले करेंगे बैटमैन मूवी में। अभी उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी डाली थी इससे रिलेटेड। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा फरवरी 2021 से, तो इस मूवी का काफी ज्यादा इंतजार है क्योंकि इसमें एडम भी होगा। देन उसके बाद एवेंजर 4 में रूसो ब्रदर ने कंफर्म कर दिया है कि जितने भी सीन थे वो सीजीआई द्वारा थे, तो काफी सारे सीन हमने फेक भी बनाए थे उस ट्रेलर के लिए, जिससे कि लोगों को काफी सारे स्पॉइलर ना पता चले। टॉम हॉलैंड ने कंफर्म कर दिया ट्विटर अकाउंट पर कि मार्च में लास्ट वीक में मंडे के दिन आपको सेकंड ट्रेलर देखने को मिलेगा स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का। वॉन्ग का रोल कंफर्म हो चुका है एवेंजर एंड गेम में कि वो देखभाल करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज के घर की और एक ऐसी जगह की जहां पर काफी सारी चीजें रखी हुई हैं मैजिकल से रिलेटेड। तो ये उनका एक स्क्रीनशॉट है जो कि आप देख रहे हो रिसेंट में। देन क्या क्या हो सकता है सीन में, मुझे अब ये कन्फर्मेशन नहीं हुआ है। हांगकॉन्ग का ऑफिशियली एवेंजर एंड गेम की वेबसाइट का हेडर लॉन्च हो चुका है जो कि काफ़ी कमाल का लग रहा है, और इसी को लेकर मैंने अपना थंबनेल भी बनाया है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। कैप्टन मार्वल का एक फाइटिंग का सीन लॉन्च हुआ है जो कि कौन सा पार्ट था, इस कौन सा पार्ट को मार्वल कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया था, अब ऐसा क्यों, अब ये कन्फर्म नहीं हुआ है। एवेंजर एंड गेम की सबसे बड़ी खास बात कि आपको जो वाला सीन दिख रहा है जिसमें टोनी और नेबुला खड़े हुए हैं, तो ये सीन फेक हो सकता है क्योंकि अभी हाल ही में से जो अपडेट आया है। उसके बाद कैप्टन मार्वल का एक और कौन सा पार्ट लॉन्च हुआ जो कि काफ़ी कमाल का लग रहा है, ये वो असेप्टेबल कौन सा ड्रॉप है जो कि मूवी में भी यूज़ करा गया कि वो मोटरसाइकिल से निक फ्यूरी से मिलने जाती हैं। एवेंजर एंड गेम में कन्फर्म हो चुका है रीमैच दोबारा से थैनोस का और हमारे हल्क का, जो कि नए कौन सा पार्ट से और नए फंकूस टॉय से पता चला है। थैनोस का फुली आर्मर लॉन्च हो चुका है एक छोटे से कप में, जो कि उसका आर्मर काफ़ी कमाल का लग रहा है। अगर आपको ये फुल एचडी में देखना है तो मेरे फेसबुक पेज पे आपको ये मिल जाएगा। रूसो ब्रदर के साथ साथ हमारे इंडिया में थैनोस भी काफ़ी टाइम पहले होली खेल चुके हैं, ये पिक 7 साल पुरानी है जो कि उनके फैन ने अपलोड करी है। रॉकेट रकून का ऑफिशियली फंगू लुक लॉन्च हुआ है जिसमें कि वो काउंटर एम सूट पहने हुए हैं और उनके लेफ्ट और राइट हैंड में एक एक वेपन है, काफ़ी कमाल का लग रहा है। देन उसके बाद ऑफिशियली कौन सा पार्ट सारे एवेंजर्स का, जिसमें कि कैप्टन मार्वल भी इंक्लूडिंग करी गई हैं, तो ये इसमें पुराने पिक्स भी हैं पर ये इसे रिक्रिएट करके काफ़ी अच्छा बनाया गया है। देन उसके बाद कैप्टन अमेरिका का एक और फंको लॉन्च हुआ है जो कि उनका फिशिंग शूट पहने हुए हैं इस कौन सा पार्ट में और इस फंको टॉय में, तो काफ़ी कमाल का लग रहा है। देन उसके बाद अगला काफ़ी कमाल का अपडेट, तो पूरा लीगो सेट टॉय रिवील्ड हुआ है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का, जिसमें कि मॉल्टन मैन हाइड्रोमैन रिवील्ड करे गए हैं जो कि काफ़ी कमाल के लग रहे हैं, और देन उसके साथ मिस्टीरियो का पूरा फुल हेलमेट समेत पूरा सूट भी है। तो अगर आपको ये देखने हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज पे जाकर देख सकते हो। और देन इसके अलावा काफ़ी सारे अपडेट आए थे जैसे दी एक्सपेंडेबल का, सिंग 2 का, डोरा दी एक्सप्लोरर, तो ये सारे अपडेट मैंने इसलिए नहीं दिए क्योंकि ये मार्वल से रिलेटेड नहीं थे। देन अगर आपको और भी अपडेट जानने हैं तो हॉलीवुड के काफ़ी सारे अपडेट मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डाले हुए हैं, तो आप जाके उस पेज को लाइक करिए जिससे कि सारे अपडेट आपको पहले ही पता चल जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो या तो उस पर आयरन मैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।